दिल्ली की टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीम रही है और शनिवार रात चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत से उसका मनोबल बढ़ा होगा। पृथ्वी शॉ कुछ मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहे हैं तो बड़ी पारी खेलने को वो जरूर बेताब होंगे, जबकि शिखर धवन फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। दिल्ली की टीम 9 मैचों में 7 में जीत दर्ज कर अपने सफल कारनामे का परचम लहरा रही है। अगले जीत उसे प्लेऑफ में ले जाएगी। अक्षर पटेल ने गेंद के अलावा बल्ले से भी अपनी योग्यता साबित की है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने रविंद्र जडेजा के मैच के अंतिम ओवर में 3 छक्के जड़कर दिल्ली को जीत दिलाई थी। उम्दा गेंदबाजी क्रम के साथ दिल्ली की टीम ने दिखाया है कि वे कम स्कोर का बचाव करने में भी सक्षम है। चोटिल ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में खेल रहे अजिंक्य रहाणे के पास प्रभाव छोड़ने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। दोनों टीमों के बीच पिछला मैच सुपर ओवर खींचा था और दिल्ली से अधिक पंजाब की टीम को उम्मीद होगी कि वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की टीम से आज जो 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं वे ये होंगे: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, शिमरन हेटमायर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, तुषार देशपांडे, कगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्किया।